कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बढ़िया होंगे तो एंजॉय कैसे कर पाओगे हमारी वीडियोस को। तो ठीक है गाइज, आज का वीडियो है प्रॉपरली फिर से एक्सरसाइज वीडियो। तो भाई बॉडी बन रही है, एक्सरसाइज तो करेंगे ना यार, तो बस एक्सरसाइज वीडियो है। और आज का वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है भाई कि भाई चेस्ट, आपने जो अपनी गाइनों की सर्जरी कराई उसके बाद अपने चेस्ट को कैसे दोबारा ये गोल गोल बना दिया भाई। तो भाई बहुत मेहनत लगी है इसमें, ये एक दो दिन का खेल नहीं था। कॉन्स्टेंट डाइटिंग, मैं पिछले एक साल से लगभग एक साल से ऑन एंड ऑफ डाइटिंग कर रहा हूँ, रेगुलरली जिम कर रहा हूँ और अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी सर्जरी होती है तो गाइस आपकी चेस्ट जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, चेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और चेस्ट फ्लैट होने का मतलब है गाइस कि भाई बस हो गया आपका काम, मतलब आपके एस्थेटिक्स वैसे ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो भाई आज वही सारी एक्सरसाइज को बताने वाला हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया अपनी चेस्ट को रीबिल्ड करने में एक साल के अंदर अंदर। मैंने कौन सी वो एक्सरसाइज परफॉर्म करी और कितनी फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करी कि मेरी चेस्ट रीबिल्ड हो पाई और इस बार और अच्छी बिल्ड हो पाई, है ना फुलर भाई। और बट उसका एक रीज़न और है कि मैंने कॉन्स्टेंट डाइटिंग हमेशा करी है, उल्टा सुलटा बहुत ही कम खाया है अपने इस एक डेढ़ साल के लाइफ स्पैन में। तो भाई वो तो फिर आपका ब्रेन का गेम है ना कि आपको कैसे करना है। बट ये वाली एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आप गाइनों को सही करने में मतलब है कि गाइनों के बाद जो सर्जरी के बाद जो जैसे आपकी चेस्ट रह जाती है ना उसको रीशेप करने में, ठीक है। तो उसमें बहुत हेल्प करने वाला है आपकी ये एक्सरसाइज। और हाँ, अगर जिनको गाइनो भी है और उनकी चेस्ट लटकी हुई है तो ये वाली एक्सरसाइज उनको भी हेल्प करेंगी। देखो गाइनो तो ख़त्म नहीं होगा बट वो चेस्ट थोड़ी सी शेप में ले आएगी भाई, क्योंकि बॉडी का फैट परसेंटेज आप कम करोगे और अपनी चेस्ट में मसल ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट बहुत अच्छी लगने लगेगी। हाँ, भले ही गाइनो हो और गाइनो अजीब से लगेंगे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी चेस्ट में गाइनो है पर उनकी चेस्ट और भी अच्छी लगती है, मतलब अच्छी लगती है। और जैसे नितिन चंडीला है, सबको पता है उनकी चेस्ट में गाइनो है तब भी भाई उनकी चेस्ट काफ़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे ही वो एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो, आप अपनी चेस्ट को बिल्डअप कर सकते हो ताकि आप अच्छे दिखो हमेशा। तो चलो अपनी प्री वर्कआउट मील लेते हैं और प्री वर्कआउट मील के बाद चलते हैं एक्सरसाइज करने। और इस बार हमारी प्री वर्कआउट मील है भाई 70 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 1 स्कूप ऑफ आइसोलेट प्रोटीन एंड 30 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर विद 10 आलमंड्स इन इट, ठीक है। और अपने स्वाद अनुसार मीठा, मैं तो स्टीविया लेता हूँ जैसा कि आप सबको पता है, तो मैं स्टीविया डालता हूँ। तो इस वाली मील को लेते हैं और इसके आधे घंटे टू 45 मिनट बाद चलेंगे जिम और वहाँ करेंगे बढ़िया सा चेस्ट वर्कआउट शूट। वैसे आज मेरी चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स है, मतलब चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेस, शोल्डर की 2 एक्सरसाइजेस एंड ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइजेस, उसके साथ एब्डोमिनल एरिया ट्रेन करेंगे और कार्डियो करेंगे। तो चलो जिम में आ गए और अब वर्कआउट करेंगे फटाफट, अपना वार्म अप करके और अब प्री वर्कआउट में मैंने कॉफ़ी लिया है फिलहाल। तो प्री वर्कआउट मील तो आपको दिखाई देती है, प्री वर्कआउट मील मैंने क्या लिया। अभी चलते हैं फटाफट वर्कआउट करने, चेस्ट करेंगे, चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेस, 4 वो एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेंगी गाइनो को कम करने में, मतलब उसको एज इन उस वे में कम ना करने में, मतलब शेप में लाने में, आपकी चेस्ट को शेप में लाने में, चाहे वो किसी भी फॉर्म की चेस्ट हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पे भाई हमें अपने पूरे हैंड को वार्म अप करना है, क्योंकि शोल्डर जो होता है वो सबसे मेन पॉइंट होता है चेस्ट का। तो सबसे पहले एक अच्छा हैंड ओपनिंग वर्कआउट करो, वार्म अप करो एक बढ़िया, ताकि आप बढ़िया से अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाओ। तो अपने शोल्डर जॉइंट, सारे शोल्डर जॉइंट्स को एक 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 करके धीरे धीरे करके खोल सकते हो ताकि और अच्छे से आप अपनी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर पाओ। राइट, लेफ्ट, ठीक है।
वर्कआउट करो बढ़िया, मतलब जैसे कहते ना कि एक अच्छा वार्म अप बहुत जरूरी है अच्छे वर्कआउट के लिए। तो अच्छे से हाथ खोलो, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर द वार्म अप, सबको पता यार चेस्ट के लिए पुशअप्स होती है, अच्छे से स्लो फॉर्म से लगाओ, तो पुशअप्स से अच्छी एक्सरसाइज नहीं कोई। टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन एटी नाइनटी ट्वेंटी ट्वेंटी वन। ज़्यादा भी नहीं लगानी क्योंकि हाथ भर लोगे तो फिर उस हिसाब से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो वार्म अप करो पर एक्सरसाइज मत करो, मतलब वार्म अप के टाइम पे वार्म अप, एक्सरसाइज के टाइम पे एक्सरसाइज। हाथ भर लोगे फिर भी फायदा नहीं है, तो हाथ नहीं भरना है कभी भी। अब मैं तो आपको सिर्फ चेस्ट दिखा रहा हूँ, बट मेरी तो शोल्डर भी आज और साथ ही साथ मेरी ट्राइसेप्स भी है, और कोर का देखूंगा टाइम बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि शूट के जिस दिन भी मैं शूट कर रहा होता हूँ उस दिन भाई बहुत लंबा वर्कआउट खिंच जाता है। तो फटाफट वार्म अप करने के बाद मिलते हैं एक्सरसाइज पर डायरेक्ट। फोर एक्सरसाइजेस, फोर बेस्ट एक्सरसाइजेस टू रीशेप और गेट इन शेप, जो आपकी चेस्ट को शेप में ला सकते हैं, वो चार एक्सरसाइजेस। सो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है डिक्लाइन प्रेस। डिक्लाइन प्रेस मशीन पे, मेरे यहाँ मशीन अवेलेबल है इसलिए मैं मशीन पे डिक्लाइन प्रेस कर रहा हूँ। और डिक्लाइन प्रेस करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज डिक्लाइन प्रेस क्यों है, क्योंकि जब भी हमें कोई गाइनों की या चेस्ट फैट की या फ्लैट फ्लैट चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, मतलब लोअर चेस्ट में हमारे फैट होता है, या किसी भी सबसे ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं चेस्ट को रीशेप करने में, वो लोअर में आते हैं, क्योंकि लोअर चेस्ट में ही फैट जमता है और लोअर चेस्ट से फैट निकालते भी है गाइनों के टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे टाइम में तो यही हुआ था। तो उसको सबसे पहले रीशेप और उस पर सबसे पहले फोकस रखते हैं लोअर चेस्ट। मेरी लोअर चेस्ट पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ ताकि भाई बेस्ट रिजल्ट्स मेरे को मिल पाए अपनी चेस्ट को शेप में करने में, क्योंकि ऊपर से अपर चेस्ट हो जाती है कवर अप, बट नीचे से चेस्ट को गोल करने में इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम सबसे पहले लोअर चेस्ट पर ध्यान देते हैं। तो देख लो कैसे कर रहा हूँ, देखो ठीक है, हमने सेम है डिक्लाइन प्रेस की तरह, बस मेरे पास मशीन है, ये देखो अपना बॉडी में एक आर्क बनाई और चेस्ट को आइसोलेट कर दिया पूरा स्ट्रेट। Love is a game that I don't want to play. Down, so don't say you need me when I walk away. Down and straight. So many words, but they don't mean a thing. You have the lines between love and obscene. So don't say you need me cause we're not a thing. You have the chest to the squeeze. You have the chest to the squeeze. Half season like a full chest to squeeze. 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 Stretch and squeeze. स्क्वीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चेस्ट मूवमेंट के लिए, हमेशा स्क्वीज़ करो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और हमारी सबसे हैवी एक्सरसाइज है, मतलब इसको हम सबसे ज़्यादा हैवी तरीके से लेंगे, क्योंकि यही जो एक एक्सरसाइज है ये सबसे अच्छी हेल्प करेगी आपको आपकी चेस्ट को दोबारा शेप में लाने के लिए। तो उस पर वेट ऐड करते हैं, इसके हम करेंगे चार सेट और मैक्सिमम रेप जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब मैक्स रेप्स करने हैं। हर एक्सरसाइज में अपना 100% दो, हर एक्सरसाइज में अपने मैक्स रेप देने की कोशिश करो, मतलब अगली के लिए जान मत बचाओ, जान अपने आप आ जाएगी बाद में मोटिवेट होकर। तो रेप लगाओ बस, दूसरी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं अपनी चेस्ट को
हम से रीशेप करने के लिए, तो भाई चेस्ट प्रेस। अब चेस्ट प्रेस से क्या काम होता है भाई, आपकी चेस्ट को जैसे लोअर चेस्ट के लिए था, ये फ्रंट चेस्ट के लिए है, और ये आपकी चेस्ट को सामने से स्क्वीज आउट करता है। तो अब चेस्ट के तीन हेड होते हैं, एक लोअर हेड, एक मिड हेड और एक अपर हेड। ये मिड और अपर को ज़्यादा अच्छे से टारगेट करती है ये वाली मशीन, और मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज मशीन को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मशीन क्या होती है, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है उसे कंट्रोल में रखती है, और जहाँ पे जिस मसल पे आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए एक्सरसाइज का, जहाँ हिट होनी चाहिए एक्सरसाइज, वहीं हिट होती है। और बिगिनर्स के लिए की है, जिन जिमों में अच्छी अच्छी मशीनें हैं वो की है उनके लिए अच्छी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए, अच्छे से हिट करने के लिए। तो जो बिगिनर्स हैं वो हमेशा मशीन्स का यूज़ करें ताकि वो और अच्छे से अपनी मसल को हिट कर पाए, और उसके बाद जब मैच्योर हो जाए सब तो आपको अपना मसल माइंड कनेक्शन समझ आ ही जाएगा। बट मैं ये बिगिनर्स के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस मशीन पे होने वाली हैं। तो भाई वेट लगाओ और ये देखो, ठीक है, स्ट्रेच आउट किया, बैक में एक आर्क बनाई और ये स्क्वीज, ठीक है, पूरे पीछे स्ट्रेच किया, स्क्वीज, ठीक है, हर चीज में अपने आपको मैक्स रखो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो रेप्स हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक मैक्स नहीं रखोगे तब तक मैक्स रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। कम करोगे तो कम रिजल्ट्स, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स, एज फार एज यू कैन। तो इस एक्सरसाइज के चार सेट करते हैं, उसके बाद आप समझते हैं। सो गाइस लास्ट सेट, और अब लास्ट सेट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 90 kgs पे 8 reps, बहुत बढ़िया, सही है, सही जा रहा हूँ, कर सकता हूँ, धीरे धीरे और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। बट अब चेस्ट बिल्कुल पंप हो चुके हैं, और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चार सेट हो गए, लास्ट सेट था ये, और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है वो बताता हूँ। सो गाइस थर्ड एक्सरसाइज हमारी फ्लाई, डिक्लाइन केबल फ्लाई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है चेस्ट को रीशेप और चेस्ट को पंप अप करने के लिए। आपने दोनों पैर सीधे, चेस्ट को आगे फ्रंट में, चेस्ट को पॉप अप करके फ्रंट में रखो, एंड ये बिल्कुल सीधा ऊपर स्ट्रेच करो पूरा, एंड ये नीचे पूरा स्क्वीज। इसमें ये जो है आपका, ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे एल्बो मुड़ेगी, उसका रीजन ये है कि एल्बो को जाके आप मोड़ोगे तो आपका स्क्वीज और अच्छा होगा। मतलब बेसिकली It all depends on squeezing. Squeeze. Stretch and squeeze. Stretch. Squeeze. Squeeze. I'm doing alright. Since we are apart, you know it's always the heart first. Oh, bump. Don't care if it hurts. पंप आप देख ही चुका, बहुत बढ़िया पंप आ रहा है यार, मजा आ गया एक्सरसाइज। सो गाइस ये अपना लास्ट सेट, और हैवी है, हैवी एंड मैक्स, हमेशा हैवी चलो और मैक्स चलो, मतलब इतना हैवी भी नहीं कि आप रेप्स ना निकाल पाओ, बट हैवी चलने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप हैवी करोगे एक्सरसाइज उतना अच्छे से आप मसल को तोड़ पाओगे, और मसल को तोड़ लिया
तो डाइटिंग करके मसल को जोड़ भी लोगे। फॉर्म नहीं खराब होनी चाहिए। ये हमारी चेस्ट की, तो गाइस ये हमारी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम करने वाले हैं। और भाई इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, पेक्टोरियल फ्लाई भी कहते हैं, पेक्टेक फ्लाई भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, बट बटरफ्लाई बहुत कॉमन नाम है इसका जहाँ तक मुझे पता है। और कुछ गलती हो गई तो भाई पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, कमेंट में करेक्ट कर देना गाली दिया बिना, ठीक है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ें अभी। तो बहुत सारे जिमों में दूसरी जिम मशीन होती है सामने वाली, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल है और अच्छी मशीन है। तो देखो वही है, चेस्ट में एक आर्क बनाओ और स्क्वीज करना आना चाहिए आपको, स्क्वीज कैसे करते हैं अपनी चेस्ट को और स्ट्रेच कैसे करते हैं। चेस्ट को बनाने का एक ही रामायण है कि आपको स्क्वीज और स्ट्रेच करना आना चाहिए। स्क्वीज और स्ट्रेच करना सीख गए आप तो आपकी चेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। डाइटिंग एक अलग बात है बट स्क्वीज एंड स्ट्रेच इज द की ऑफ चेस्ट। चलो देखो, स्ट्रेच पूरा स्ट्रेच, स्क्वीज, होल्ड होल्ड, स्ट्रेच स्ट्रेच, होल्ड होल्ड, स्क्वीज पे होल्ड 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 होल्ड, स्ट्रेच होल्ड स्ट्रेच, स्क्वीज होल्ड। हैवी था फर्स्ट सेट, हैवी लिया इसमें, नेक्स्ट सेट में थोड़ा सा वेट ड्रॉप करूंगा, बट ओहो क्या गोल गोल चेस्ट आ रही है बिल्कुल। और एक टाइम पे फ्लैट थी, फ्लैट ऐसे ही एक्सरसाइजेस को फॉलो कर करके, ये रूटीन वन है, ये बिगिनर्स का रूटीन है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एक अलग एडवांस्ड रूटीन डालेंगे। ये बहुत नॉर्मल और बेसिक रूटीन है ताकि आप स्टार्टिंग में इसे अडॉप्ट कर सको। मैं एक साथ ही बहुत एडवांस रूटीन बता देता तो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, बट ये वाला रूटीन आप एक महीना फॉलो करके देखो, इसके बाद फिर एडवांस रूटीन डालूंगा, मज़ा आ जाएगा। चोमेश्वर चेस्ट बना देगा बोला, वो तो फाड़ देता चेस्ट को। ये नॉर्मल वाला रूटीन ही हो कि इतनी इतना स्ट्रेच करता है, इतना मसल को तोड़ता है, जो एडवांस वाला है ना वो तो जो मैं फॉलो करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी चेस्ट को बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। सो गाइस देखो चेस्ट, देखो भाई चेस्ट भाई ये दिख रहा होगा मॉन्स्टर चेस्ट आ गया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस अपने पे भरोसा रखो। सो गाइस आपने फोर बेस्ट एक्सरसाइजेस देखी अपनी चेस्ट को रीबिल्ड करने के लिए गाइनो के बाद, या गाइनो में अपनी चेस्ट को बिल्ड करने के लिए। ये बेसिक फोर एक्सरसाइजेस है, और अगर आप चाहते हो कि इसका एडवांस वर्जन में लेके आऊं वो भी लेके आऊंगा, बस कमेंट करना है आपको नीचे कि एडवांस वर्जन चाहिए भाई। और कुछ भी बात अगर आपको गलत लगी हो तो भाई मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, एक दूसरे को मिला जुला के सीखते ना। तो होप से वाली वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करो चैनल को। लास्ट में भाई सब्सक्राइब करो। बाय बाय।